हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है चीमा फिला। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, इसे आप कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कौन से डोज में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीमा फिला एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है प्रिंस पाइन। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बता देती हूँ कि आखिर बॉडी के ये कौन कौन से ऑर्गन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जैसे कि किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा की बीमारियों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि बॉडी के ग्लैंड्स में ये बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे कि फीमेल्स के मेमरी ग्लैंड्स में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा मेल्स के प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ या फिर आईज से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमा फिला एक मल्टीपर्पज़ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका यूज़ ज़्यादातर यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए किया जाता है। यूरिनरी कंप्लेंट्स आप कह सकते हो, अगर किसी पर्सन को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें बर्निंग यूरिनेशन की कंप्लेंट रहे तो ऐसी जगह पर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को यूरिनेशन के टाइम में बर्निंग सेंसेशन आते हैं, पेन फील होने लग जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा कई बार लोगों को फ्रीक्वेंट अर्जिंग फील होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चीमा फिला मेडिसिन का यूज़ आप लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर ज़्यादा अल्कोहल के वजह से किसी पर्सन को लीवर डिजीज़ हो चुकी है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन को फैटी लीवर की कंप्लेन है अल्कोहल के वजह से, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करने के वजह से लीवर डिजीज़ हो चुकी है या फिर लीवर डैमेज हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमा फिला मेडिसिन फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल को वजाइना में पेन रहता हो तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को मेमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि चीमा फिला की जो फीमेल्स होती है उनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज होते हैं और उन्हें कोई ना कोई ब्रेस्ट अफेक्शन रहता है। चीमा फिला मेडिसिन का यूज़ आप यूटीआई जैसी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता हो, उन्हें रिकरेंट ये प्रॉब्लम रहती हो, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है या फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है यूरिनेशन के टाइम में, या फिर अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो, उन्हें लोअर एब्डोमिनल पेन हो, फीवर होने लग जाए या फिर अगर यूरिन में ब्लड आने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमा फिला के पेशेंट्स को यूरिनेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उनको कई बार यूरिनेशन में ब्लड भी आने लग जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का यूज़ आप ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियों के लिए कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को सिस्टाइटिस की कंप्लेन है, उन्हें ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैडर इन्फेक्शन के वजह से कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि उन्हें फ्रीक्वेंट अर्जिंग रहती है यूरिनेशन की, या फिर उन्हें इनकम्प्लीट यूरिनेशन की कंप्लेन रहती है, उन्हें इनकॉन्टिनेंस यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा उन्हें लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके साथ हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है। चीमा फिला मेडिसिन का यूज़ आप नेफ्राइटिस जैसी कंडीशन में भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के यूरिन में बहुत ही ज़्यादा शुगर आता हो, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमा फिला के पेशेंट को जब भी कोई यूरिनेशन की कंप्लेन होती है तो उनका यूरिन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि कम अमाउंट का आने लग जाता है, स्कैंटी यूरिन होता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है उनको यूरिनेशन के लिए। चीमा फिला मेडिसिन प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस हो चुका है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो चुका है या फिर इन्फ्लामेशन हो चुका है किसी भी रीज़न के वजह से, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, फ्लूइड रिटेंशन की कंप्लेन होती है, यूरिनेशन में पेन हो सकता है और कई बार उन्हें डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन भी देखा जाता है। इसके अलावा जो सेमाइनल फ्लूइड होता है उसमें ब्लड भी कई बार देखा जाता है। ऐसे लोगों में क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस बार बार होता है और वो ठीक नहीं होता है। अगर ये कंडीशन आपको 3 से 4 महीने तक रहती है तो वो क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन का यूज़ आप हेडेक या फिर वर्टिगो जैसी कंप्लेंट में भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फ्रंटल एरिया में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता हो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन्हें ऑक्सीपिटल एरिया से लेके आइज़ में पेन होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन आई रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को इचीनेस रहती है, आइज़ में रेडनेस हो जाती है, आईलिड्स में स्वेलिंग होने लग जाती है और इसके वजह से उन्हें हेडेक होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको फोटोफोबिया की कंप्लेंट रहती है। इसके अलावा इन्हें हेडेक के साथ ही साथ लैक्रिमेशन भी होने लग जाता है, मतलब जब भी इन्हें हेडेक होगा तब इन्हें आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन को आप टीथ से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को टीथ में सेंसिटिविटी होती है और ऐसा देखा जाता है कि वो हॉट फूड के वजह से होती है, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला के पेशेंट्स को ज़्यादातर कंप्लेन खाने के बाद होने लग जाती है, उन्हें टीथ में प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी होती है, कई बार उन्हें पेन भी होने लग जाता है गम्स में, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला के पेशेंट्स को कोल्ड फूड से रिलीफ होता है, उनके सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चीमाफिला यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट ये कंप्लेंट रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला के पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उनमें सेडिमेंट्स देखे जाते हैं यूरिन में और उन्हें बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होने लग जाता है स्टोन के वजह से। चीमाफिला मेडिसिन में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो किडनी स्टोन जैसी कंडीशन को ठीक करने में हेल्प करती है। चीमाफिला उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर ओल्ड मेल्स में देखी जाती है और इन्हें बार बार यूरिन रिटेंशन की कंप्लेन होती है, यूरिनेशन में स्ट्रेनिंग होती है, यूरिन पास करने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन का यूज़ आप रूमेटिक प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को आर्थराइटिस की कंप्लेन है या फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन को आप अगर ज़्यादा यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाए ब्लड में या फिर जॉइंट में पेन होने लग जाए, गाउट जैसी सिचुएशन होने लग जाए, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को स्किन में ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, सॉर्स हो रहे हैं या फिर उन्हें ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल को वजाइना में पेन रहता है, इन्फ्लामेशन रहती है या फिर उन्हें वजाइना में सेंसिटिविटी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स क्लाइमेट्रिक एज में होती है, जिनकी एज 40 या 50 से ज़्यादा होती है, ऐसी फीमेल्स में जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो उन्हें हॉट फ्लैशेस फील होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला मेडिसिन मेमोरी ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में लैक्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट अंडर डेवलप है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। चीमाफिला उन फीमेल्स के लिए अच्छी मेडिसिन है जिनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं और उन्हें कोई ना कोई ट्यूमर अफेक्शन रहता है या फिर लैक्टेशन से रिलेटेड कंप्लेंट रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको चीमाफिला मेडिसिन की मोडालिटीज़ बता देती हूँ कि आखिर किन कंडीशन में सिचुएशन एग्रावेट होने लग जाती है, सिम्टम्स वर्स्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि डैम सीज़न में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है चीमाफिला के पेशेंट्स को। रेनी सीज़न बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उस टाइम उन्हें ये सारी कंप्लेंट्स होने लग जाती है। इसके अलावा कोल्ड वेदर में भी ये कंप्लेन एग्रावेट हो सकती है। अब मैं आपको इसके डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आप कौन कौन से डोज़ में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
चीमाफिला मेडिसिन को आप 30, 200 और मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चीमाफिला को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको इस मेडिसिन का 3-4 ड्रॉप दिन में दो बार लेना होगा। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ 200 पोटेंसी में करते हैं तो आपको 4-5 ड्रॉप दिन में एक बार लेना होगा। और अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 15-20 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के इसे दिन में 3 बार लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था चीमाफिला मेडिसिन। मैंने आपको बता दिया कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकली आप इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इसके डोज क्या है। तो अगर आप मुझे किसी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।